अस्सलाम वालेकुम पीके बसेस से, मैं हूं बिलाल। आज मैं मौजूद हूं 26 नंबर पर इस्लामाबाद टर्मिनल में। यहां पे रोड मास्टर ने एक न्यू टर्मिनल बनाया है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो मैंने आज इसका विज़िट कर रहा हूं मैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये टर्मिनल किस तरह का है और इसमें कौन कौन सी सहूलियात हैं। उसके अलावा यहाँ से कौन कौन से शहरों के लिए सर्विस अवेलेबल है, उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं वसीम तरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ये लग रहा है ठीक ठाक हैं। अच्छा सर, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सी जगह है? ये ना 26 नंबर है, इस्लामाबाद बस टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ना रोड मास्टर का टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना नया सेटअप जो है वो बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ताकि बसेज ताकि मुसाफिरों के लिए बड़ी बेहतरीन सहूलत मुयसर हो सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से सिटीज़ के लिए सर्विस अवेलेबल होती है हमारे पास? यहाँ लाहौर के लिए और मुल्तान के लिए सर्विस अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, कितने टाइम जाते हैं? लाहौर की बात करें तो कितना टाइम? लाहौर के लिए हमारे पास जो है, बात करें तो हमारे पास जो है ना दो किस्म की सर्विस चल रही हैं। एक हमारी जो है प्रेसिडेंट क्रूज है और एक हमारी जो है प्रीमियम क्रूज है। ठीक है, तो उसके 13 टाइम बनते हैं हमारे और 3 टाइम हमारे मुल्तान के लिए हम चला रहे हैं। टोटल हम जो है 16 टाइम को जो है वो। अच्छा, सुबह ऑपरेशन आपका कितने बजे स्टार्ट होता है? ये हमारा जो है ना 24 आवर के हिसाब से चल रहा है। रात को यानी 12 बजे भी हमारी गाड़ी चल रही है, 1 बजे भी चल रही है। ठीक है, उसके बाद दिन के अंदर जो 1.5-2 घंटे के गैप से जो वो हमारे डिपार्चर्स बन जाते हैं। अच्छा, तो ये चल रही है हमारे। अच्छा, इसके अलावा भी आपका रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई टर्मिनल है? हाँ, इसके अलावा हमारा जो टर्मिनल है वो फैज़ाबाद में है। फैज़ाबाद में किस जगह पे? फैज़ाबाद में हमारा मारगला ट्रैवल्स के साथ के अंदर जो है ना वो हमारा टर्मिनल है। ठीक है, वहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो बसेज हैं वहाँ से चलती हैं फिर यहाँ आती हैं? बिल्कुल, हमारा सारा टाइम इसी तरह जाता है। हमारा सारा टाइम जो है ना बेसिकली फैज़ाबाद से ऑपरेटिव है और फैज़ाबाद से यहाँ गाड़ी आगे रुकती है। 5 मिनट का यहाँ पर स्टे टाइम होता है, फिर यहाँ से आगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो लाहौर के लिए या मुल्तान के लिए निकल जाती है। ठीक है, इसी तरह जब वहाँ से गाड़ी आती है पहले यहाँ पे आके ड्रॉप होता है और फिर फैज़ाबाद जो है हमारा वो लास्ट ड्रॉप पॉइंट आ जाता है। ठीक हो गया। तो चले सर, हमें टर्मिनल दिखाएं जरा। सर बिजुर्ग आ जाए। जी हमारा टिकटिंग काउंटर है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एंड टिकटिंग काउंटर, ये हमारा स्टाफ है यहाँ पर अवेलेबल। तो कोई भी पैसेंजर आता है तो फिर सारी जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं। फॉर डेस्क बुकिंग भी यहीं से हो रही है? यहीं से बुकिंग हो रही है, टिकट्स भी हो रही हैं। यहाँ पर हमारा जो है कार्गो का सिस्टम भी है, कार्गो के लड़के भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। हाँ जी, और इसके साथ जो है ये हमारे पास जो है ये पैसेंजर लॉन्च है हमारा। ठीक है, यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है सारा। तो यहाँ पर अभी हम ज़रा अभी रेनोवेशन का काम थोड़ा चल रहा था, हम ये भी सेटअप दोबारा से रेनोवेट करना है हमने। तो अभी ये हमने क्योंकि अभी शिफ्टिंग की है तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतरीन इसको बेहतर कर देंगे। और ये जो है कॉफ़ी शॉप बनाई हुई है। ठीक है, हाँ, वेंडर मशीन है ये हमारी। ये हमारे जो है ना अराइवल्स और डिपार्चर्स जो है वो उसको पैसेंजर्स के लगाए हुए हैं ताकि मॉनिटरिंग किया जा सके, इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल हो सारी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बुकिंग का क्या तरीका कार है? बुकिंग हमारी जो है ना एप्लीकेशन हैं, एक तो रोड मास्टर की अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो लोग जो है वो प्ले स्टोर से जो है ये डाउनलोड हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है लोग जो है अपनी बुकिंग कर लेते हैं और उसी से जो है ऑनलाइन जो है टिकट परचेज भी कर लेते हैं। तो बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर है। तो डेमो भी हम साथ साथ उसके अंदर देते रहते हैं और यहाँ पर जो है हमारे लड़के जो है उसको बाकायदा हर क्लाइंट को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझा देते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आजकल तो वैसे भी डिजिटल दौर है, तो डिजिटल जो है वो मार्केटिंग का भी दौर है, तो माशाल्लाह सब लोग जो है इसको जानते भी हैं और उसको आसानी से कर लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इस साइड पे आप देख रहे हैं ये गेट है 26 नंबर टर्मिनल का, और एक इस साइड पे ये मियाँ जी के साइड पे गेट है। ये दो एंट्रेंस हैं, अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो इन दो गेट से, और जब आप उधर से आएँगे तो ये यहाँ पर जो है ना टर्मिनल है बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ना, यहाँ से भी आप सीधा आएँ तो यहाँ पर ये सामने टर्मिनल है। अच्छा जी, ये टर्मिनल है, यहाँ पे टिकटिंग काउंटर है और ये इस साइड पे वाशरूम मौजूद हैं। ये इस साइड पे लेडीज़ के और इस साइड पे जेंट्स के वाशरूम मौजूद हैं। अच्छा जी, ये था रोड मास्टर का तारुफ। ठीक है, इस टर्मिनल के बारे में बुकिंग के लिए जैसे सर ने बताया कि रोड मास्टर की ऐप है, वेबसाइट भी है, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा आप टर्मिनल से आपके टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मुल्तान या लाहौर का ट्रैवल करना चाहते हैं इस्लामाबाद से, तो आप फैज़ाबाद और ये दूसरा पॉइंट जो है 26 नंबर पर, यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।